देश में रहने वाले हर गरीब को 80 करोड़ जनता को हम हर महीने पाँच रुपए चावल मुफ्त में दे रहे हैं सभी लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में खाना खिला रहे हैं जो गरीब है अभी तक हम चार करोड़ घर बनाया आने वाले इस पांच साल में तीन लाख तीन करोड़ घर बनाएंगे हर किसान को हम हर साल 6 करोड़ छ 6 हजार रुपए उनके अकाउंट में डालते हैं कभी भी बजट में कोई कुछ प्रांतों को स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं अभी ने पहले से सभी लोगों को हम इस बजट के द्वारा हम वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि यह बहुत गलत है कुछ राज्यों को बजट में विशेष पैकेज मिलते रहते हैं यह लंबे समय से होता आ रहा है देश में रहने वाले हर गरीब को मुफ्त चावल दिया जा रहा है इसमें किसी राज्य जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है अब तक चार करोड़ घर बन चुके हैं आने वाले पांच सालों में तीन करोड़ और घर बनेंगे देश के विकास गरीबों के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा बजट है रेवंत रेड्डी की सरकार को सत्ता में आए आठ महीने हो गए हैं उन्होंने छह गारंटी दी थी लेकिन एक भी गारंटी लागू नहीं की अब इससे बचने के लिए वह यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया वह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना चाह रहे हैं लेकिन जैसे तेलंगाना के लोगों ने केसीआर का बहिष्कार किया आने वाले दिनों में लोग रेवंत रेड्डी और उनकी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे यह बहुत गलत है कभी भी बजट में कोई कुछ प्रांतों को स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं अभी ने पहले से रेलवे बजट में हो जनरल बजट में हो मिलते रहते हैं इस साल एक दो स्टेट को थोड़ा स्पेशल दिए गए उसके लेकर हमारा स्टेट को क्या दिया है देश में रहने वाले हर गरीब को 80 करोड़ जनता को हम हर महीने पांच रुपए चावल मुफ्त में दे रहे हैं कोई स्टेट को इसमें कोई रिलीजियस को कोई स्टेट को कोई कास्ट को इसमें कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सभी लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में खाना खिला रहे हैं सभी लोगों को जो गरीब है अभी तक हम चार करोड़ घर बनाया आने वाले इस पांच साल में तीन लाख तीन करोड़ घर बनाएंगे आने वाले इस पाँच साल में हर गरीब को अभी हम इम्प्लीमेंट करें आयुष्मान भारत के नाम पर दस लाख रुपए हम देने वाले हैं हेल्थ के विषय पर ऐसी भारत सरकार अलग अलग वेलफेयर एक्टिविटी हर विलेजेस में जो गांव पंचायती रहते हैं ग्राम पंचायती रहने वाले साफ सुथरा करने वाले जो वर्कर्स रहते हैं उनका सैलरी भी भारत सरकार देती है ग्राम पंचायतों में इंटरनल रोड्स को भी भारत सरकार पैसे देती है हर आंगनबाड़ी टीचर को ग्राम पंचायती भी गाँव में शहरों में सरकार पैसे देते हैं हर माइनॉरिटी स्टूडेंट को भी पेंशन दिया स्कॉलरशिप देते हैं भारत सरकार की तरफ से हम हर किसान को एक एकड़ लैंड पे अगर वो इरिगेशन करते उनको एक एकड़ को एक साल में अठारह हजार कास्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी हर किसान को हम हर साल छे करोड़ छ हजार रुपए उनके अकाउंट में डालते हैं ये सब सबको जाते हैं कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये स्टेट नहीं वो स्टेट नहीं ये गांव नहीं वो गांव नहीं ये कास्ट नहीं वो कास्ट नहीं ये रिलीजन वो रिलीजन सभी लोगों को हम इस बजट के द्वारा हम वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा कोई स्टेट को दे सकते हैं कभी कभी कुछ स्टेट को हाथ बढ़ाना पड़ता है उस स्टेट को जो पीछे है उसको हमारा साथ लेना पड़ता है आंध्र प्रदेश बेफरकेशन के बाद थोड़ा पीछे हटाए स्टेट कैपिटल नहीं है स्टेट कैपिटल ठीक तरीके से नहीं है ये सभी लोगों का दुखी विषय है इसलिए स्टेट कैपिटल बनाने के लिए कुछ पैसा दिए इतने के लिए इतने बड़ा आंदोलन करना राजनीति के विषय बनाना ये बहुत गलत है ये गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूशन प्रोसेस एक बजट है ये बजट एक साल का है परमानेंट देश के लिए ये बजट इतिहास नहीं लिखता है मगर रास्ता बनाता है कौन सा रास्ते में आगे बनना है देश के विकास के लिए देश के बच्चों के भविष्य के लिए देश के आने वाले दिन में एक विकसित भारत बनाने के लिए एक रास्ता डालने का बजट है इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ राजनीति से उठकर मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट दिया गया उसको समर्थन करना चाहिए ये देश के विकास के लिए गरीबों के विकास के लिए

दस करोड़ रुपए तेलंगाना को दिया है एक एक पैसे का अकाउंट देता हूं सिर्फ उनके हाथ में नहीं देते पैसे उनके हाथ में दे दिए तो क्या देश में क्या चला रहे स्टेट्स में मुझे मालूम है वोटों के लिए पूरे पैसे लोन लेकर बड़ा बड़ा लाखों रुपए पैसा खर्च करके आज अलग अलग प्रांतों को आज कैसा दीवारा बना रहे पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहे पूरा अलग अलग स्टेट्स इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार कुछ वेलफेयर एक्टिविटी को गरीबों के लिए सीधा पैसा खर्च करते हैं ये सब ये बोलते हैं आपको नहीं सीधा खर्च करने के लिए भाई आप खुद ये तो पूरा उल्ट को डाइवर्ट करके पैसे खर्च कर रहे गरीबों को नहीं पहुंच रहे एग्जाम्पल तेलंगाना में एस सी के लिए हम बच्चों को स्टूडेंट्स को एस सी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए नैर में उनका अकाउंट को पैसे डालते हैं के सी आर गए पहले से जो के सी आर था वो बोल रहे क्यों ऐसा देते हो ऐसा देना गलत है हम वो पैसा हमारे हाथ में दे दो आप सीधा एस सी स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में कैसा जमा करते हैं अभी लगातार इस पैसे को रोक रहे पैसे नहीं ले रहे ऐसा बहुत कुछ विषय है इसीलिए रेवंत रेड्डी जो बात कर रहे हैं बहुत गलत है आके आठ महीने हो गए आठ महीने में अब कुछ नहीं किया है एक रेशन कार्ड नहीं दिया एक पेंशन नहीं दिया एक छोटा सा किलोमीटर रोड नहीं डाला एक स्कॉलरशिप नहीं दिया एक फीस रियम्बर्समेंट नहीं दिया एक हेल्थ का फैसिलिटी नहीं दिया है आप भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है रेवंत रेड्डी जी आपको मालूम होना चाहिए दस साल में दस लाख करोड़ रुपए दस लाख करोड़ रुपए खर्च किया है और जो बोलते हैं मैं नीति आयोग मीटिंग मैं नया होगा मैं बहिष्कार करूंगा आप नीति आयोग मीटिंग बहिष्कार करिए आपका अधिकार है मैं ना नहीं बोल रहा हूं मगर आने वाले दिन में तेलंगाना जनता आपको आपका पार्टी को भी बहिष्कार करेंगे जैसा के को बहिष्कार किया है आने वाले दिन में आपको आपका पार्टी को तेलंगाना जनता बहिष्कार करेंगे